छल तो स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव जी ने किया है। जब आप सरकार में थे, जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए, हमारे महापुरुषों के सम्मान के लिए कोई एक काम किया हो तो बता दें। और मैं आपको सैकड़ों भी गिना सकता हूं, आपने कैसे जनपदों के नाम बदल के महापुरुषों का अपमान किया, मेडिकल कॉलेज, पार्क, इंजीनियरिंग कॉलेज, इनके नाम बदल के अपमान किया। जो विकास की योजना थी अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, उसको आपने नष्ट किया। इसके विपरीत मोदी जी ने हमको एक आदर्श ग्राम योजना दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10,600 अनुसूचित बाहुल्य गांवों का विकास कराया जा रहा है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए पंच तीर्थों को विकसित किया, जहां पे हम लोग जाते हैं, शीश नवाते हैं और अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। तो ये तुलना बड़ी स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो इसका अनुसूचित विरोधी चेहरा सबके सामने था। आज जब ये सरकार में नहीं है, जब जनता ने उत्तर प्रदेश की इनको बेदखल कर दिया, तब इनको बाबा साहब याद आ रहे हैं और माननीय कांशीराम जी याद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत होशियार हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आगे पीछे समझते हैं, तुलना करना जानते हैं, और ये तुलना सबके सामने। इसीलिए पिछले दो चुनाव में आपने देखा कितना बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, और आने वाले चुनाव में 2024 का एक बड़ा चुनाव है, इसमें 80 में से 80 सीटें तो हम लोग जीतेंगे ही, लेकिन जो हमारा वोट शेयर है, समर्थन का जो अंश है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और इसमें सबका साथ का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। जहाँ जिस विधानसभा में कल कार्यक्रम है, वहाँ से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा, और साथ ही कांग्रेस भी प्रियंका गांधी को वहाँ से लड़ाने की कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, क्या किस तरह देखते हैं, क्या जी? अब नीतीश कुमार जी के लड़ने की चर्चा है तो नीतीश कुमार जी स्वयं इसके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग 80 में से 80 सीटें न केवल जीतेंगे, लेकिन बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। और जो ये कार्यक्रमों की श्रृंखला है, ये सबको जोड़ने का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार जो नारी शक्ति वंदन है, महिलाओं का सम्मान इतना बढ़ा, महिलाओं को और स्थान दिया गया, उनका जुड़ाव भी और बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। तो आने वाले चुनाव में आप निश्चित रूप से देखेंगे, सबको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा 80 में से 80 सीट का भी, और एक बहुत बड़े वोट शेयर का भी। ठीक, प्रयागराज में पेंशन को लेकर कई विकलांग और कई दिव्यांग और कई महिला लोग परेशान हैं, इसको लेकर क्या पेंशन कई की रुकी है, तो समाज कल्याण के अवश्य पेंशन जिनकी भी रुकी है, तो उनके लिए हम लोग कैंप लगा करके इसको हल करते हैं। और पेंशन में आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों में बड़े घोटाले हो रहे थे, जिसके लिए अब हर पेंशन को आधार के साथ जोड़ा गया। मेरा सभी वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध है, अगर आपकी पेंशन अभी आधार से नहीं जुड़ी है, तो हो सकता है आपकी पेंशन रुकी हो। तो ऐसे सूरत में आप समाज कल्याण विभाग को बता दें, हम आपके घर भेज करके, टीम भेज करके आपकी पेंशन पुनः शुरू करा देंगे। और साथ साथ मोहल्लेवार हम लगातार कैंप लगा रहे हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति छूटे ना, जो पात्र हैं उनको मिले, और जो अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनको हटाया जाए। ठीक।